दर्शन के कलाकार एकता जिंदाबाद 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 दर्शन के कलाकार एकता जिंदाबाद 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 दर्शन के कलाकार एकता जिंदाबाद 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 कि हम झारखंड के कलाकारों को ना बहुत शोषण हो रहा है, मतलब नाम नहीं मिल रहा है। आप देख सकते हो कि इंडस्ट्री इतनी ख़राब हो गई है कि यहाँ पे लोग फाइनेंस करने के लिए तैयार नहीं। हम जो जैसे एक्टर को नागपुरी फिल्म, मतलब छोड़ दीजिए, एल्बम के सहारे, यूट्यूब के सहारे जिंदा है। पैसा का दुरुपयोग करने के लिए और एक प्रकार से ठीक ही कहे आप, ये लोग अपने मस्ती करने में मशगूल है भैया। ये लोग डांस, ये लोग को नचवाइए, यही रांची में हर जगह ये लोग नचवाता है। जोहार, नमस्कार। झारखंड के कलाकारों के द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया जा रहा है। हमारे साथ झारखंड के मशहूर कलाकार है रोहित आर के। मुख्यमंत्री का आप लोग रोहित पुतला दहन कर रहे हैं, अगर गढ़वा में जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है खतियानी आभार यात्रा निकाल रहे हैं, अभी झारखंड के कलाकार हैं, अक्षरा सिंह शामिल हो रही है, उनका विरोध किया जा रहा है, क्या दिक्कत है? हो सकता है कि मुख्यमंत्री अक्षरा सिंह के प्रशंसक हों, उनको देखना चाहते होंगे। आप लोग के द्वारा ये विरोध प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है? देखिए, अक्षरा सिंह से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम जितने भी कलाकार हैं, चाहे वो भोजपुरी हो, नागपुरी हो या कोई भी शहर के हो, तो हम सब एक दूसरे से प्रेम करते हैं। कलाकार से दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या है ना कि हम झारखंड के कलाकारों को ना बहुत शोषण हो रहा है, मतलब नाम नहीं मिल रहा है। आप देख सकते हो कि इंडस्ट्री इतनी ख़राब हो गई है कि यहाँ पे लोग फाइनेंस करने के लिए तैयार नहीं। हम जो जैसे एक्टर को नागपुरी फिल्म, मतलब छोड़ दीजिए, एल्बम के सहारे, यूट्यूब के सहारे जिंदा है। आज झारखंड का जितना कलाकार है ना, यूट्यूब के सहारे जिंदा है। और अगर फिल्म इंडस्ट्री होती, झारखंड फिल्म इंडस्ट्री होती, तो आज हम लोग ये करने की ज़रूरत नहीं होती। मैं किसी पार्टी या फिर किसी समुदाय या किसी के विरुद्ध नहीं खड़ा हूँ। मैं खड़ा हूँ कि मुझे सम्मान मिलना चाहिए, मेरे कलाकार लोगों को सम्मान मिलना चाहिए, जो नहीं मिल रहा है। अरे भाई, कब तक? आज जो बंटी भैया डेथ किए हैं, उनका डेथ करने का कारण इंडस्ट्री था, क्योंकि वो डेली काम करते थे, उनको पैसा कमाना था, घर चलाना था। अगर आज इंडस्ट्री बहुत बड़ी होती, करोड़ों में कमा रहे होते, तो आज बंटी सिंह डेथ नहीं करता। आज हम लोग के पास कई सारी फिल्में होती ना, डेट नहीं करता। मैं एक एग्जांपल आपसे पूछता हूँ सर, आप मुझे इसका जवाब आप ही देना, कि अगर कहीं के भी सीएम, मतलब बिहार के ही नाम लेते हैं, बिहार के सीएम जो हमारे हैं, वो अगर हमारे झारखंड के सीएम को ये बोले कि सर मेरे पास खेसारी है, मेरे पास दिनेश लाल यादव है, मेरे पास दिनेश लाल यादव, रवि किशन है, मेरे पास अक्षरा सिंह है, सर आपके पास आपका ऐसा रीजनल एक्टर का नाम बताए ना, जो रीजनल एक्टर है, जो नागपुरी का आपका एक्टर है, जिसकी नागपुरी फिल्में आती हैं, तो आप पांच कौन से एक्टर का नाम बताएंगे जिसको आप गाड़ी से, मतलब लोग देखने के लिए तरस जाते हैं या बिल्डिंग से कूद जाते हैं, ऐसे आप बताइए कोई आपके नज़र में? कलाकारों का तो लगातार यहाँ पर जो है मान सम्मान की तो बात है ही, जब मुख्यमंत्री ही जो है भोजपुरी कलाकार को बुला रहे हैं, चलो अच्छी बात है, उनको बुला रहे हैं, हो सकता है प्रशंसक होंगे, लेकिन झारखंड के जो कलाकार है अब उनको नहीं बुलाया गया, उसकी चीज़ कहीं ना कहीं आप लोगों को। मैं बस देखिए, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है वो, क्योंकि क्या होता है ना कि घर में अगर प्रॉब्लम होती है ना, तो हमने अपने पापा को बताना है, मेरे गार्जियन को, तो हमें जब तकलीफ होगा ना, तो हम उस गार्जियन को बताएंगे, और गार्जियन सुनेंगे कब? जब उनके पास जा करके उनको बोलेंगे ना, कान में डालेंगे ना, तब समझ में आएगा। तो भाई आपको थक गए, यहाँ पर लाइव आके ये आके वो आके बहुत ट्राई किया, तो इसलिए फिर हम लोगों ने नहीं, कभी आप लोग ये सपना में सोच भी सकते हैं क्या कि बिहार के जैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, कभी रोहित आरके को बुलाएंगे या झारखंड के अन्य कलाकारों को बुलाएंगे, ऐसा कभी आप लोग को सोच भी सकते हैं क्या? सर वही सोचने के लिए तो परेशान है, सर वो सोचने के लिए परेशान है कि आज हमारी फिल्म इंडस्ट्री अगर ऊपर लेवल पे होती, अगर हमारी फिल्म इंडस्ट्री को बहुत बड़ा सपोर्ट मिला होता, सब्सिडी टाइम से मिली होती, तो प्रोड्यूसर यहाँ से भागे नहीं होते। जो फिल्म बनना चालू हुआ था, सब प्रोड्यूसर भाग गए, बोले यार रांची झारखंड में फ्रॉड हो जाता है, सब्सिडी भी नहीं मिलती है, बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। मैं समझ सकता हूँ सरकार की प्रॉब्लम भी, कि कोरोना आ गया था 2 साल और बंदिश में थी, लेकिन उसके अकॉर्डिंगली भी बहुत सारा चीज़ होता है। लेकिन कहाँ फिल्में रिलीज हुई सर, कहाँ? यहाँ बैठे हैं, बेरोजगार हैं, यूट्यूब के सहारे जिंदा है सर, ये एकदम प्रैक्टिकल है। ठीक है, ये झारखंड के मशहूर संसक होंगे अक्षरा सिंह के, बुला लिए देखने के लिए, क्या आपत्ति है उसमें? देखिए, ये बात भी आप सही बोल रहे हैं, हेमंत सोरेन जी को राज्य के जनता के लिए कोई सिंपैथी नहीं है, इनको शायद सही में तक नृत्य देखने का पसंद था इनको, हो सके हेमंत सोरेन जी को मित्र ठाकुर अवसर खोज रहे होंगे,
तो अवसर मिला इनको, अवसर ऐसे बनाया गया है, कोई अवसर है नहीं, क्योंकि खतियानी हमारे यात्रा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो लागू हुई है नहीं, स्थानीय तिथि लागू हुआ है नहीं, आरक्षण लागू हुआ है नहीं, तो ये सब बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहा है और सरकारी पैसा का दुरुपयोग करने के लिए, और एक प्रकार से ठीक ही कहे आप, ये लोग अपने मस्ती करने में मशगूल है भैया, ये लोग डांस, ये लोग नचवाइए, यही रांची में हर जगह ये लोग नचवाता है, ये लोग गवाता है, यही सब करेगा, तो ये लोग भाई झारखंड में, झारखंड कल्चर को कम से कम दिखाओ ना, ये सब मौका मिलता है, लेकिन झारखंड सरकार दोहरी नीति करता है, ये कल्चर का बात करेगा और काम दूसरा और करेगा। जिस तरह की बातें हुई थी मुख्यमंत्री ने भोजपुरी भाषा के बारे में, जो उनका एक बयान आया था जिसमें बवाल मच गया था, और फिर भोजपुरी कलाकार को खुद बुला रहे हैं, तो अरे भैया फ्रॉड आदमी है हेमंत सोरेन, वहाँ फ्रॉड आदमी है इनका, ये बोलते हैं ना और जो करते हैं इसे साफ झलकता है कि आदमी एक प्रकार से झारखंड को चरागाह समझता है और हमेशा, अच्छा बयान मुख्यमंत्री का बयान बार बार अलग अलग होना, ये समझ रहे हैं कि कितना इनका जो मानसिक है संतुलन कितना बिगड़ा हुआ है, इनका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है, जिस प्रकार से होते हैं ना कि आपके पास अगर कभी कभी होता है कि कोई आदमी के पास ज़्यादा पैसा हो जाता है तो पगला जाता है, पगला बहुत रखिएगा, जमीन जगह में पगलाता है, बहुत ज़्यादा पैसा होता तो पगला जाता है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं ये इनको ज़्यादा पैसा लूट के ज़्यादा पैसा लूट ले, इसलिए मानसिक संतुलन का बिगड़ गया है। खतियानी आभार यात्रा है का, अरे कोई लागू नहीं हुआ है, खतियानी लागू होगा तब ना, आभार यात्रा का मतलब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं आभार यात्रा का, आभार यात्रा का मतलब ही नहीं है यहाँ पर, जब लागू होगा, जब आप कुछ काम कर लेंगे तब ना आप जनता पर आभार मांगेंगे, सरकारी पैसा का दुरुपयोग करने के लिए और लोग मस्ती मारने के लिए सब कार्यक्रम कर रहा है। कलाकारों की मांग को आप लगातार उठाते रहते हैं, तो मुख्यमंत्री के द्वारा बुलाया गया जो भी जो आयोजक थे, अक्षरा सिंह शामिल हो रही है कार्यक्रम, कभी ये सोच सकते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, वो झारखंड के कलाकारों को बुलाएंगे क्या? वही ना बात है, देखिए बुलाइए, वही वो कार्यक्रम चलता, हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर झारखंड के भी कलाकार रहते हैं, ठीक है बॉर्डर है, गढ़वा है, अगल बगल लोग सुनते हैं, कोई बगल से भी आ जाएगा, लेकिन झारखंड का कलाकार वहाँ नगण्य क्यों रहेगा? झारखंड का कलाकार क्यों आप अपमान करते हैं? तीन में चढ़ के ना रौंद न रहे कलाकार को, दर्द इस बात की हम लोग को, रौंदिए मत भैया, अब रौंद रहे झारखंड के कलाकार को, रौंदने से तकलीफ होता है, तकलीफ सड़क में दिख रहा है। ठीक है, बात करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये कमलेश राम थे, तो प्रमुख रूप से जो बातें निकल के आ रही है कि अक्षरा सिंह से विरोध नहीं है इनका, लेकिन जो झारखंड के कलाकार है उनको उनके सम्मान की बात है कि उनको भी इस तरह के कार्यक्रमों में सरकार के द्वारा सम्मान देना चाहिए। लगातार हो रही उपेक्षा से कलाकार जो है यहाँ के स्थानीय कलाकार है कहीं न कहीं चिंतित दिखाई देते हैं। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम, हम सिर्फ घर नहीं खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज, पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे नंबरों पर संपर्क।